तोड़कर कौन नहीं आ रही है हाँ कैसे कर ले बाप तार इतना मार दे भाई जो रखे आगे तेरी काटी चले पवन जी उनके से देख के कर ले रुक नाम देख ले चढ़ने के ना चढ़ने के यहाँ बेक करने के हटा झंडे वाले झंडे हटा अरे मतलब मिस बैठा हूँ झंडे वाला कहाँ था दो कड़े बच्चे होते हैं पस्ती 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 ले हर पापा सब गॉप गॉप उठा उठा क्या तू कर रहा है आप इसके पास क्या है साइड बना दो जाना हेलो हाँ चुप राजा बाबा साहब मान्यवंत आपको नमन करते हुए हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष व नेत्री बहन कुमारी मायावती जी की बेटियों में निष्ठा व्यक्त करते हुए खिजिरपुर ग्राम सभा के यहाँ पर जुटे हुए समस्त बड़े बुजुर्ग नौजवान साथी इस ग्राम प्रधान के पूर्व इस ग्राम सभा के पूर्व प्रधान नदीम भाई इस ग्राम सभा के नौजवान साथी हमारे मित्र बबलू भाई व तमाम साथी महिलाएं प्यारे बच्चे आप सभी का मैं तहे दिल से हार्दिक वंदन अभिनंदन मेरे भाइयों 8 मार्च की तारीख मुकर्रर है आगामी विधानसभा में अपना अगले 5 साल के लिए अपना नुमाइंदा अपना रहनुमा अपना प्रतिनिधि चुनकर भेजने के लिए उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में पिछले 28 सालों से जो व्यक्ति यहां पर अपना शासन चला रहा है जो हुक्मरान बना हुआ है जिसकी हुकूमत यहाँ चल रही है एक भी सड़क पर आप निकल जाएंगे तो पूरे विधानसभा की सड़कों की हालत पता चल जाएगी किस तरह का उसका शासन रहा है। मैं यह नहीं कहता जीतने के बाद जवानिया को स्वर्ग पहुंचा दूंगा लेकिन मेरे भाइयों मेरी माताओं मेरी बहनों अगर चूक हो गई हमसे और गलती से भी फिर उसी आतताई को अगर यहाँ की हुकूमत मिल गई तो जो वह कहता है कि जमानिया को जमाने से ऊपर ऊपर ले जाऊंगा वो इस कथन को पूरी तरह चरितार्थ कर देगा और इतना ऊपर ले जाएगा कि जमानिया को जहन्नुम में पहुंचा देगा। मेरे भाइयों अभी कुछ कहूंगा तो होगी कि लफाजी है तो अभी कोई राजनीतिक हैसियत मेरी नहीं है किसी राजनीतिक पद पर नहीं हूँ लेकिन इतना जरूर वादा आपको करता हूँ कि अगर एक मौका आप अपने इस भाई को अपने इस बेटे को दोगे तो इस इलाके की तस्वीर और आपकी तकदीर बदल के रख दूंगा। जिंदाबाद जिंदाबाद आज पूरे उत्तर प्रदेश बलिया से लेके नोएडा तक गाजीपुर से लेके गाजियाबाद तक बहुजन समाज पार्टी की बहन जी की बयार चल रही है और जो सर्वे आया उस सर्वे में पूरे पूर्वांचल में आप सभी के सहयोग से आप सभी के आशीर्वाद से जमानिया नंबर एक पे जा रहा है बहुजन समाज पार्टी के खाते में जा रहा है। मेरे भाइयों 3 तरीके से यहाँ का जो बर्खास्त मंत्री है यह चुनाव लड़ता था 3 तरीके थे इसके चुनाव लड़ने के। पहला तरीका था पार्टी का वोट एक जाति का वोट और एक फर्जी वोट 3 तरीके से यह चुनाव लड़ता था। एक जो पार्टी का वोट था पार्टी के वोटरों को यह कहता था कि तुम लोग मुझे देखकर नहीं तुम लोग मुलायम सिंह को देखकर वोट देते हो वो भी बेचारे अपने आप को छला हुआ ठगा हुआ महसूस करते थे। इसी में बिहार प्रांत का विधायक अपने बेटे को यहाँ चुनाव लड़ाने आ गया उनके सजातीय बंधु खुद ही इस पार्टी से नाराज थे कि किस इंसान को मेरे वोटों की जब हमारे वोटों की कीमत ही नहीं पता है तो हम क्यों ना अपने भाई या बिरादर को ही वोट दें। तो वह पार्टी का जो बेस वोट था वह कट के दूसरी तरफ चला गया। दूसरा इसका वोट था जाति का वोट जाति का वोट जो उनके सजातीय बंधु थे आपको पता होगा अपने गाँव के ही डॉक्टर वशिष्ठ सिंह जो 75 साल के वृद्ध डॉक्टर है निहायत सीधे शरीफ उनकी जमीन पर कब्जा करके अपने स्कूल पे जाने के लिए रातों रात रास्ता पिकवाने का काम यह करने लगा। जब जाके उसके सजातीय बंधुओं ने विरोध किया कह रहे मंत्री जी यह क्या कर रहे हैं
किसी के जमीन क्यों कब्जा कर रहे हैं, तो उस वृद्ध डॉक्टर को थप्पड़ से मारा और कट्टे में चालान करा के जेल भेजवा दिया। मेरे भाइयों, पूरे गांव में उनके सरदार के बंधुओं में जबरदस्त विरोध है। तीसरा था फर्जी हो, जो तमाम लड़वैया यहाँ आए और लोग कहते थे कि यह मंत्री 20,000 फर्जी वोट इकट्ठा कर रखा है। किसी की हिम्मत नहीं हुई, भले कोई जीत गया हो चुनाव इस इंसान के खिलाफ, लेकिन किसी ने उसका एक फर्जी वोट कटवा नहीं पाया था। लेकिन आप लोगों को अखबारों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से यह जानकारी हुई होगी कि आपके इस बेटे ने उसका पूरा का पूरा फर्जी वोट कटवा कर फिंकवा दिया है। पार्टी से गए, जाति से गए और फर्जी वोट भी गया इनका। अब मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरे बहनों, आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप खुद के साथ दो अपने भाई का, अपने बेटे का, मैं वादा करता हूँ कि अगर कोई अत्याचारी आपके हकूक पर डाका डालेगा, आपके मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करेगा, अगर पंजा उठाएगा तो उसके पंजे को तोड़ दिया जाएगा, आपके मान सम्मान में कोई आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ पूरा गांव भ्रमण करना है, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बातों को विराम दूंगा। जय भीम, जय भारत, खुला।